वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज जो हम करने वाले गिटार में, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ न्यू। आज जो भी हम करेंगे दैट हैज़ बीन प्रीवियसली डन। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम एक बार जो हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया है उस चीज़ को एक बार रिकैप करें। देखो बच्चों, होता क्या है कि म्यूज़िक में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से हमें तभी सेट होता है जब उसको हम लोग इनफ रिपीटेशंस में फॉलो करते हैं। सोच लो कि जैसे एक कोई नोट है, वो एक नोट जब तक हम 5, 7, 10, 100, 1000 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना नहीं समझ पाए तब तक वो अच्छे से नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कॉर्ड है, ठीक है, सिंपल सा इजी सा कॉर्ड। जब आप इस कॉर्ड को पहली बार बजाना सीखोगे, मे भी आपको उतने अच्छे से नहीं आए। होता है जब भी हम स्टार्ट करते हैं म्यूजिक में, तब कॉर्ड ऐसे टूटे हुए साउंड करते हैं। आ रहा है ना, इस इन स्ट्रिंग्स की आवाज देखो, अच्छे से नहीं आ रही। नहीं आ रही। फिर हमें धीरे धीरे कॉर्ड का ग्रिप पकड़ना, धीरे धीरे कॉर्ड कैसे हमें स्ट्रेंथ से पकड़ना है वो हमें आता है, और उसके बाद उसकी आवाज सुधरती है और बन जाती है ऐसी। जब हम लोग लेफ्ट हैंड में प्रॉपरली पकड़ पाते हैं तब हम लोग धीरे धीरे ये बजा पाते हैं। अब जब ये अच्छे से बजने लगता है तब ये भी अच्छे से बजने लगता है। फिर जब ये दोनों हो जाता है तब हम लोग इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, उसका दूसरा वाला भी फास्टर करते हैं, इसको कंबाइन भी फास्ट करते हैं। और इसके जो वेरिएशंस होते हैं इसको भी फास्टर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि जब तक इस गिटार में, जब ये इस लेवल पे आने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम इस लेवल को क्लियर करें। अगर आप लोग कभी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में वीडियो गेम खेलोगे तो आपको पता चलता है कि वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं, है ना। लेवल 1 बिना पार के लेवल 2 नहीं जा सकते, लेवल 2 बिना पार के लेवल 3 नहीं जा सकते। सेम गिटार में भी है। तो ये जो हमारा पहला मैंने ये दिखाया ना, ये लेवल 1 है। लेवल 1 को, लेवल 1 की आवाज अगर ऐसी नहीं आई, ऐसी आई, ऐसी टूटी हुई आवाज आई, तो अभी भी मतलब लेवल 1 में गेम बाकी है। लेवल 1 का गेम कंप्लीट करेंगे, फिर लेवल 2 का गेम कंप्लीट करेंगे, फिर लेवल 3 का गेम कंप्लीट करेंगे, फिर लेवल 4 पे, ऐसे काफी सारे लेवल्स हैं। जब भी हम म्यूजिक की बात करते हैं ना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज हमारा कोई एक स्टैगनेंट लेवल है, उसी में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो हम छोटे छोटे चेंजेस करके भी ना उस नए नए लेवल्स हम अनलॉक कर सकते हैं। आज की क्लास फोकस्ड रहेगी इस चीज पे कि हम लोग जो जो कर रहे हैं उस चीज का एक बार हमें कॉल बैक आ जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम इससे ज्यादा और डिफिकल्ट चीजों पे आगे बढ़ सके। डिफिकल्ट चीजें तो नहीं बोलूंगा, डिफिकल्ट चीजें इज अ रॉन्ग माइंडसेट। आप ये सोच के जा रहे हो कि फिर म्यूजिक ही डिफिकल्ट है, नहीं, थोड़ी और एडवांस, थोड़ी और मज़ेदार चीज़ें, थोड़ी और म्यूजिकली कॉम्प्लिकेटेड, जो बजाने बजाने में ज़्यादा मज़ा है, उस चीज़ों में जाएंगे, ठीक है।
पहला चीज हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो होते हैं कॉर्ड्स, राइट। तो कॉर्ड्स आपको मैंने भी करवा रखे हैं और जो दूसरे इंस्ट्रक्टर जी हैं उनने भी करवा रखा है। तो आज एक बार हम रिकैप करेंगे कि कौन कौन से कॉर्ड्स हमारे एकदम बेयर मिनिमम है और वो कॉर्ड्स हमें आना ज़रूरी है ही है। वो कॉर्ड्स हमारे पूरे पूरे गिटार का बेसिस है और वो पूरे गिटार को हमें अंडरस्टैंड करवाने में इस लेवल पे हेल्प करता है कि वो कॉर्ड्स हमें अगर आ गए तो बाद में कोई भी और कॉर्ड्स आ जाएगा। ऐसा मान लो जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी की बात सबसे ज़्यादा चलती है कि उनका जो दे आर द हेड ऑफ द हाउस, ये जो हमारे स्टार्टिंग के कॉर्ड्स है दे आर द हेड ऑफ द कॉर्ड्स, ठीक है। मतलब इस जो भी कॉर्ड्स इसके आगे है वो सब इसी के थ्रू बनेंगे। जैसे आप भी अपने मम्मी पापा के थ्रू ही आए हो तो सिमिलरली आगे के कॉर्ड्स भी वैसे ही बनेंगे। तो आज हम उन कॉर्ड्स को डिस्कस करते हैं। मैं पहले वो कॉर्ड्स के नाम बोर्ड पे लिख देता हूँ। बोर्ड में अगर आप देखोगे इधर, ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख रखा है बेसिक कॉर्ड्स, राइट। और इसमें मैंने 9 कॉर्ड्स दे रखे हैं। मैं धीरे धीरे सब पे आता हूँ, ठीक है। जल्दी कोई नहीं करना है, हड़बड़ी कोई नहीं करनी है, म्यूज़िक है, धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर कर के आगे बढ़ेंगे, भाग दौड़ वाली चीज़ नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। आते हैं अब हम हमारे अपने बेसिक कॉर्ड्स पे, ठीक है। बेसिक कॉर्ड्स का डेफिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। बेसिक कॉर्ड्स इज स्टार्टिंग के हमारे वो कॉर्ड्स जो हमें आना जरूरी ही है। सो अगेन बोर्ड की तरफ देखते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने कॉर्ड्स क्या क्या लिखे, एम सी डी डी एम ई एम एफ और जी, राइट। तो टोटल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे लास्ट के जो दो कॉर्ड्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो उसमें हम थोड़े एंड के तरफ आएंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम पहले के 7 कॉर्ड्स से, ठीक है। ये जो हमारे पहले 7 कॉर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो कॉर्ड्स क्या होते हैं, पहले कॉर्ड्स की एक डेफिनेशन जब हम सर्च करेंगे। कॉर्ड्स होते हैं कि जब हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स में नोट्स पकड़ के प्ले करें, ठीक है। मैंने ये प्रीवियस क्लासेस में भी मेंशन किया है, बस उसका एक बार रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ कि कॉर्ड्स वो होते हैं जब हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स में नोट्स पकड़ के उनको साथ में प्ले करें। जैसे टैब्स क्या होते हैं, स्केल क्या होती है, जब हम लोग नोट बाई नोट प्ले करें, राइट। ऐसे अगर ये टैब्स हो गए, ये लीड हो गई, ये स्केल है, ये हम एक एक नोट करके प्ले कर रहे हैं। अगर देखोगे ठीक है, दिस is what we call a scale or lead tabs. हम इसको एक एक notes करके बजाते हैं। But again, जब हम लोग एक साथ इन notes को बजाएं, multiple notes को बजाएं, for example, एक A major shape, तो this
देखो मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स एक साथ बजा रहा हूँ, राइट? इसको हम कहते हैं कॉर्ड्स। अब हम लोग कॉर्ड्स को भी लीड की तरह बजा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम कॉर्ड्स बजा रहे हैं तो हमें हमेशा स्ट्रम करना होगा, ठीक है? जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रम है, बट जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा स्ट्रम करना होगा। हम लोग कॉर्ड्स को सिंगल पिक भी कर सकते हैं, या अगर आपने पानीदा रंग का फेमस इंट्रोडक्शन सुना होगा तो उसका ऐसे है, थोड़ा सा हल्का सा अगर मैं इंट्रो अगर याद दिलाऊं आपको, कॉर्ड्स को हम इंडिविजुअल पिक करके भी बजा सकते हैं, दैट वुड साउंड लाइक लीड। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वापस जाके स्ट्रमिंग और कॉर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? ओके, तो कॉर्ड्स हमने ये डिस्कस कर लिया कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स एक साथ हम नोट बजा के पकड़ के बजाते हैं, ठीक है? अब कॉर्ड्स कितने तरीके के होते हैं? कॉर्ड्स होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो 280 के आसपास कॉर्ड्स होते हैं। उसमें से अलग अलग टाइप के कॉर्ड्स होते हैं, बहुत तरीके के कॉर्ड्स होते हैं, बट हम लोग उन सारे कॉर्ड्स को दो डिब्बों में डाल सकते हैं। मेजरली उसको हम लोग या तो मेजर कॉर्ड्स के डिब्बे में डाल सकते हैं या माइनर कॉर्ड्स के डिब्बे में डाल सकते हैं। अब उसको उसके ऊपर भी कॉर्ड्स होते हैं, मेजर होता है, माइनर होता है, डिमिनिश्ड होता है, डोमिनेंट होता है, ऑल्टर्ड होता है, एडेड होता है, सस्पेंडेड होता है, डिफरेंट तरीके के कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है? बट उन सारी चीज़ों को अगर आज ही डिस्कस कर लेंगे तो भयानक कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? तो हम लोग मोस्टली कॉर्ड्स को दो तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, या तो कॉर्ड्स मेजर है नहीं तो कॉर्ड्स माइनर है। मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है? अब जो लोग थोड़े टाइम से म्यूजिक बजा रहे हैं उन्हें पता है कि मेजर और माइनर का डिफरेंस इज कि मेजर कॉर्ड्स साउंड हैप्पी और माइनर कॉर्ड्स साउंड सैड और मिस्टीरियस। मैं आपको याद दिलाने के लिए एक बार दोनों टाइप का बजा के एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो पहला कॉर्ड जो मैं बजाऊंगा वो है ए मेजर कॉर्ड। हैप्पियर कॉर्ड है। अब थोड़ा मैं इसको स्ट्रम करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हैप्पी कैसे। अब बस मैं एक फिंगर चेंज करूंगा पोजीशन में, ऐसे था मेजर कॉर्ड, उठा के थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब ये बन गया हमारा माइनर कॉर्ड। अब इसकी साउंड डार्क है, ध्यान से सुनना। अब मैं दोनों साइड बाय साइड बजाता हूं, मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे दो तरीके के कॉर्ड्स, ठीक है? तो ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट था, ताकि हम लोग जब कॉर्ड्स की तरफ देखें, अब एक बार व्हाइट बोर्ड की तरफ वापस देखेंगे हम लोग, ठीक है? कॉर्ड्स की तरफ देखेंगे, जो हमारे नॉर्मल कॉर्ड्स है जिसके पीछे मैंने कोई छोटा सा अल्फाबेट नहीं लिख रखा, ठीक है? जैसे ये ए और ए छोटा सा एम है, दिस इज अ मेजर कॉर्ड। मेजर के पीछे कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा जाता। अगर खाली खाली ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ए मेजर कॉर्ड है। बट अगर ए के साथ एक छोटा सा एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ए माइनर कॉर्ड है। सिमिलरली ई का एग्जांपल लेंगे, अगर खाली खाली ई लिखा हुआ है तो ई मेजर कॉर्ड है, बट अगर ई एम लिखा हुआ है तो ई माइनर कॉर्ड है। सो आप देखोगे अगर बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे कि सारे कॉर्ड्स के एम वर्जन नहीं बनाए हुए हैं। ए है, ए एम है, फिर सी है, उसका कोई एम नहीं है, फिर डी है, फिर डी का एम है, ई है, ई का एम है, और एफ और जी है, राइट? तो इसका मतलब क्या ये होता है कि सी का, एफ का और जी का एम नहीं होगा? नहीं,
उसके भी एम एम मतलब माइनर, ठीक है, मतलब उसी कॉर्ड का डार्कर वर्जन भी होगा, बट हम लोग उसको आज इसलिए स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉर्ड्स हमारे बेसिक कॉर्ड्स के बाहर आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ए हो गया, ठीक है, हमारा ए कॉर्ड होगा, फिर हमारा ए माइनर कॉर्ड आ जाएगा, फिर हमारा सी कॉर्ड होगा, फिर डी कॉर्ड होगा, फिर डी माइनर, फिर ई, ई माइनर, एफ और जी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से इन सारे कॉर्ड्स को, मैं एक बार सारे कॉर्ड्स, ये जो नाइन कॉर्ड्स हैं, सारे नाइन कॉर्ड्स जो है सारे, इनको और एक बार प्ले करता हूँ, आप बताओ इन चीज, इन कॉर्ड्स में आप क्या एक चीज सिमिलैरिटी ढूंढ पा रहे हो, फिर मैं उस चीज को बताता हूँ क्या है। ए मेजर, ए माइनर, सी, डी, डी माइनर, ई मेजर, ई माइनर, एफ, जी। और एक बार बजाता हूँ बहुत धीरे धीरे, अंडरस्टैंड करो कि मैं क्या सिमिलैरिटी पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए मेजर, ए माइनर, सी, डी, डी माइनर, ई मेजर, ई माइनर, एफ, जी। ये पूरे पूरे हमारे स्टार्टिंग के नाइन कॉर्ड्स हो गए, राइट। अब इनमें सिमिलैरिटी क्या है और हम लोग इसको बेसिक कॉर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे कॉर्ड्स हमारा इन तीन फ्रेट्स की एरिया में बच जाता है, 1 2 3, इस पूरी एरिया में ये नाइन कॉर्ड्स हमारे बच जाते हैं। अगेन हम देखेंगे फॉर लास्ट, और एक बार मैं रन थ्रू दिखाता हूं। ठीक है, नाइन कॉर्ड्स खाली खाली इतने एरिया में। अब जो हमारे बोर्ड की तरफ एक बार थोड़ा सा देखेंगे, ए, ए माइनर पहले तीन फ्रेट्स में डन, डी, डी माइनर पहले तीन फ्रेट्स में डन, ई, ई माइनर पहले तीन फ्रेट्स में डन, बट अब हम तीन जो माइनर्स हमने नहीं लिख रखे हैं वो कॉर्ड्स लेते हैं, सी, एफ और जी, ठीक है। तो एक बार गिटार की तरफ देखेंगे वापस, तो सी का जो माइनर कॉर्ड है इन तीन वाली बॉक्स से बाहर आके बजाना होगा, तो सी का जो माइनर कॉर्ड होगा वो होगा हमारा यहां पे, अगर आप ये शेप भी देखोगे तो ये इन शेप से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा कॉर्ड हम लोग देखेंगे जी माइनर जो है, अगेन ये वाला कॉर्ड भी बहुत डिफिकल्ट है, हमें इस फिंगर से ये सारी स्ट्रिंग्स पकड़नी पड़ रही है और इस फिंगर से ये, तो लास्ट जो कॉर्ड हम देखेंगे वो है हमारा एफ माइनर जो हम बजा सकते हैं यहां पे, ठीक है, बट इसको भी हम नहीं लेते क्योंकि ये वाला भी थोड़ा डिफिकल्ट कॉर्ड है, ऑल्दो ये हमारे इस तीन फ्रेट के अंदर है, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट में आता है, तो इसको भी हम बेसिक कॉर्ड्स के अंदर नहीं लेते हैं। हर एक कॉर्ड को, कॉर्ड का नेचर मैं थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। सो जो एकदम बिगिनर्स है, जो कॉर्ड्स नया नया प्ले करेंगे, जिन्होंने अभी तक कॉर्ड्स प्ले नहीं किया है, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे, इन दो कॉर्ड्स से, ठीक है। अब यही दो स्पेसिफिकली कॉर्ड्स क्यों बोले मैंने, ई माइनर और ए मेजर, क्योंकि ये दो कॉर्ड्स आर द इजीएस्ट टू प्ले, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टू कॉर्ड्स पे, जो हमारा थोड़ा और आसान हो जाएगा, वो होगा ई मेजर और ए माइनर, ठीक है। तो ई माइनर, ए मेजर, ई मेजर, ए माइनर, 1 2 3 4, इस ऑर्डर में हमारे पहले के कॉर्ड्स आसान हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे हमारा
फिफ्थ कॉर्ड जो हो जाएगा सी, ठीक है। फिर हम बजाएंगे डी, फिर हम करेंगे डी माइनर, फिर हम करेंगे जी, फिर हम करेंगे एफ। तो मैंने ये वाली नंबरिंग क्यों की है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं इस नंबरिंग को क्यों फॉलो कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सो जैसे जैसे हम लोग इसमें डिफिकल्टी में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग का सबसे इजियर वर्जन ऑफ कॉर्ड्स इज पहला वाला, दैट इज ई माइनर, ठीक है। ई माइनर बजाने में हमें बस दो फिंगर्स चाहिए, ठीक है, इन दो फिंगर्स से हमारा पूरा पूरा काम हो जाएगा। ई माइनर इज मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंड विल होल्ड इट। तो ई माइनर इज आर इजीएस्ट कॉर्ड, ठीक है। खाली इन दोनों फिंगर से हम फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पकड़ते हैं और स्ट्रम करते हैं। सबसे इजीएस्ट कॉर्ड है ये। ये कॉर्ड काफी गानों में भी यूज होता है। अगर आपने पानी दा रंग सुना होगा तो उसमें ये ई माइनर ही पकड़ा हुआ है मैंने। नहीं, ये देखो, ठीक है, ई माइनर इज आर वेरी फर्स्ट कॉर्ड, क्योंकि इसमें हमें सबसे कम एफर्ट लगाना है ई माइनर पकड़ने में। खाली ये दो, फिफ्थ स्ट्रिंग पे मिडल फिंगर सेकंड फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग पे रिंग फिंगर सेकंड फ्रेट, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे डिफिकल्ट कॉर्ड पे। क्या था बोर्ड में मैंने लिखा हुआ था ए कॉर्ड, ठीक है। अब हम लोग ए कॉर्ड पे ध्यान देंगे, तो ई माइनर का कॉर्ड शेप ही पकड़ेंगे। अभी हमने किया सबसे इजी कॉर्ड ई माइनर, राइट, ई माइनर कॉर्ड शेप पकड़ेंगे। एंड अब ये जो पूरा शेप है ना हमारा, ये दो फिंगर जो हमने पकड़े हुए, इनको उठा के एक एक स्ट्रिंग नीचे कर देंगे, हो गया। अब और एक एक स्ट्रिंग नीचे करेंगे, तो टोटल दो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स नीचे करेंगे, यहां ले आएंगे। तो ये फिफ्थ और फोर्थ में था, बट अब ये फिंगर्स सेकंड और थर्ड पे, रिंग फिंगर सेकंड, मिडल फिंगर थर्ड। बट ए मेजर कॉर्ड में एक और फिंगर, वो है इंडेक्स, वो कहा है हमारा फोर्थ स्ट्रिंग पे, जहां पे हमारा प्रीवियसली रिंग फिंगर था। तो अगर हम देखेंगे तो ये कॉर्ड आसान क्यों है, क्योंकि हमें सारे सेकंड फ्रेट ही पकड़ने हैं, बट एक फिंगर यहाँ फोर्थ स्ट्रिंग, एक थर्ड स्ट्रिंग, एक सेकंड स्ट्रिंग, सारे सेकंड फ्रेट। अब इसको स्ट्रम करेंगे, इजी कॉर्ड, बहुत आसान। ई माइनर, ए मेजर, ई माइनर, ए मेजर, ठीक है। ये हमारे दो स्टार्टिंग के इजीएस्ट कॉर्ड्स हो गए, डन, ठीक है। अब हम लोग ये ए शेप ही लेंगे। क्या क्या रखा हुआ है मैंने, हमने इंडेक्स मिडल पिंक, इंडेक्स मिडल और रिंग ऑन द सेकंड फ्रेट, राइट। अब हम लोग पकड़ेंगे इसका माइनर वर्जन, जो होता है ए माइनर कॉर्ड, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ठीक है, अच्छे से यहां पे नोटिस कीजिए। ए मेजर कॉर्ड को वापस पकड़ेंगे, ए मेजर कॉर्ड देखेंगे, ऐसा था, सारे फिंगर्स सेकंड फ्रेट पे। अब क्या करेंगे, ये हटा देंगे हम लोग, इंडेक्स हटा देंगे, इंडेक्स हटा के ये दो स्ट्रिंग्स के ऊपर, ये दोनों फिंगर अगेन ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो अब ये कौन से कहाँ पे आ गए, ये फोर्थ फ्रेट पे, सॉरी फोर्थ स्ट्रिंग पे, ये थर्ड स्ट्रिंग पे, अगेन दोनों सेकंड फ्रेट पे ही है।
और इंडेक्स फिंगर जो होगा हमारा, अब हम लोग सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे रखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फ्रेट यहाँ पे रखेंगे। सो कंबाइन करेंगे तो ए मेजर था, इंडेक्स हटाया, दोनों फिंगर्स ऊपर किए, इंडेक्स यहाँ पे रख दिया। अब हमारे पास ए माइनर कॉर्ड है, ठीक है। सो ई माइनर, ए मेजर, ए माइनर। अब हम लोग आएंगे ई मेजर कॉर्ड पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 का सर्कल हम लोग यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं, सर्कल तो नहीं, चार पॉइंट्स है तो स्क्वायर बता सकते हैं। सो 1 2 3 4 उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो हमारा उसमें से 1 हो गया ई माइनर, ए मेजर, ए माइनर। अब हम लोग आएंगे ई मेजर पे, तो अगेन अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ई माइनर क्या था हमारा, ये ए मेजर था, ये ए माइनर था, ये। अब ए ई मेजर कैसा होगा, ये जो जो हमने पकड़ा हुआ है ना उसी को उठा के एक स्ट्रिंग ऊपर रख देंगे, एक एक स्ट्रिंग्स ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे आएगा, ये हमारा थर्ड पे है, ये फोर्थ पे आएगा, और ये हमारा सेकंड पे है, ये थर्ड पे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ई मेजर। ठीक है, ई मेजर। अब हमारा मेजर और माइनर है, राइट। तो हमने ई मेजर और ई माइनर दोनों कर लिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस इंडेक्स फिंगर का। तो अगर हम लोग ए माइनर से भी अगर ई मेजर पे ना आए, तो हम लोग ई माइनर से ई मेजर पे अगर आए, तो उसका इजी तरीका क्या है, ये ई माइनर है, खाली ये दो नोट्स, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, उसके नीचे बस थर्ड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट पे इंडेक्स रख देंगे और हमारा ई मेजर बन गया, इजी, ठीक है। तो हमारे स्टार्टिंग के चार कॉर्ड्स ऐसे हो गए, दीज आर द बेसिक फोर कॉर्ड्स, ठीक है। अब फिफ्थ कॉर्ड पे आते हैं जो है सी। सी इज सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। अगर ये देखेंगे तो ये काइंड ऑफ ए माइनर शेप से ही आ रहा है, ए माइनर का शेप पकड़ के एंड रिंग फिंगर उठा के फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पर रख देंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। ए माइनर, सी मेजर, एक नोट का डिफरेंस, ए माइनर, सी मेजर। ये हो गया हमारा अगेन सी मेजर, अनदर वेरी बेसिक कॉर्ड। अब आते हैं हम डी और डी माइनर कॉर्ड पर। सो डी इज यहां पे थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे इंडेक्स रखेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे मिडल रखेंगे, एंड थर्ड स्ट्रिंग सॉरी सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे रिंग फिंगर रखेंगे। सो डी कॉर्ड कैसा साउंड करेगा, ओके, डी कॉर्ड को हम पीछे से कोई कॉर्ड से रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि डी की पोजीशन ही अलग होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी कॉर्ड से रिलेट नहीं करेंगे, हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ई माइनर, अभी जो हमने पहला कॉर्ड किया ई माइनर और जो सिक्स्थ कॉर्ड कर रहे हैं डी, इन दोनों का रिलेशन बहुत बढ़िया है, ये सुनने में साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ई माइनर और डी बजाए तो साथ में सुनो ई माइनर,
डी, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे डी माइनर कॉर्ड पे, तो डी माइनर को हम लोग डी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल डी कॉर्ड है मेजर। अब इसके जगह थोड़ा फिंगर्स को हमें स्ट्रेच करना होगा, बट इसमें अभी हमारी दो नोट पोजीशन सेम है, तो जहां पे हमने, यहां पे ध्यान से देखो, अब हमें क्योंकि ये वाला फिंगर फर्स्ट फ्रेट में रखना है, तो अब तो ये पॉसिबल नहीं है ना, इसको हम लोग इस हिंज के पीछे तो नहीं ले जा सकते, तो क्या करेंगे, इस फिंगर को हम लोग लिफ्ट करेंगे, इन दोनों फिंगर्स को लिफ्ट करेंगे यहां से, ठीक है। ये फिंगर डी मेजर पे जहां पे था वहीं पे रहेगा, सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। इसको हम लोग रखेंगे जहां पे इंडेक्स था पहले, यहां पे हमारा इंडेक्स था, अब यहां पे हमारा मिडल बैठेगा, और फर्स्ट स्ट्रिंग को रखेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग पे हम अपने इंडेक्स रखेंगे फर्स्ट फ्रेट पे, और ये हमारा डी माइनर बन जाएगा। डी माइनर भी बहुत अच्छा साउंडिंग कॉर्ड है, इसमें भी काफी सारे गाने हैं। एक गाना है जोगी, अगर आप सुनोगे वो भी इसी इसमें है, डी माइनर की कॉर्ड पे है। बहुत अच्छा साउंडिंग सॉन्ग है। तो अब हमें डी से डी माइनर भी मिल गया, ठीक है। तो क्या क्या हो गया हमारा, ए ए माइनर, सी डी डी माइनर, ई ई माइनर, कितने कॉर्ड्स डन हो गए हमारे, 7 कॉर्ड्स डन। अब हम लोग आएंगे लास्ट के दो कॉर्ड्स में, एंड ये दोनों कॉर्ड्स एक्चुअली थोड़े से डिफिकल्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिम्मत हार जाइए, ठीक है। कॉर्ड्स डिफिकल्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि हिम्मत हार जाओ। एफ कॉर्ड को वैसा भी बोला जाता है कि काफ़ी गिटारिस्ट सारे कॉर्ड सीख लेते हैं, एफ कॉर्ड आता है तो गिटार फेंक दो, गिटार फेंकना मत, ठीक है, टाइम लगाना आ जाएगा कॉर्ड, ठीक है। तो पहले हम जी कॉर्ड पे आते हैं, नंबर 8 पे जी कॉर्ड है, तो जी कॉर्ड पे आते हैं। जी कॉर्ड ऐसे होता है, जी कॉर्ड में रिंग फिंगर हमारा रहेगा फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, यहां पे पकड़ेंगे हम लोग रिंग फिंगर से, एकदम ऊपर 6th स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट मिडिल फिंगर्स, ये दो, एंड फिर इंडेक्स फिंगर 5th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, पूरा प्ले करेंगे, साउंड करेगा ऐसा। अब काफी स्टूडेंट्स जो लंबे टाइम से गिटार बजा रहे हैं, उन्हें पता है कि जी आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, नीचे का थर्ड फ्रेट पे सेकंड और फर्स्ट स्ट्रिंग दोनों को पकड़ के, एसेंशियली ये दोनों पकड़ के, या फिर आप इसको बिना यूज किए खाली इसको पकड़ के भी प्ले कर सकते हो, दोनों राइट है। कोई आपको बोले कि ये वाला ही सही है ये वाला ही सही है, जरूरी नहीं है, दोनों ही राइट है, ठीक है। जो आपको इजी हो प्ले करने में वही बजाइएगा। अब हम लोग आते हैं एफ कॉर्ड पे, ओके। तो एफ कॉर्ड हमारा सबसे डिफिकल्ट कॉर्ड है, ठीक है, ना ही हम इसमें अपने चारों फिंगर्स यूज कर रहे हैं, इससे हम अपनी पहली फिंगर से दो स्ट्रिंग्स पकड़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉर्ड है, बट ये जब बैठ गया तब एफ कॉर्ड को हम, फ्रेटबोर्ड की तरफ देखो, एफ कॉर्ड को हम मूवेबल कॉर्ड भी कहते हैं। तो अगर हम एफ कॉर्ड को आगे भी बढ़ाए, इसको अगर हम लोग इसी शेप को मूव करते रहे तो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स बजते हैं। तो ये हमारा सबसे, एज अ बिगिनर हमारा सबसे डिफिकल्ट येट सबसे वर्सेटाइल कॉर्ड होता है, ठीक है। सो एफ कॉर्ड कैसे बजाते हैं एक बार वापस देखेंगे,
वापस हम लोग देखेंगे ई मेजर कॉर्ड को। ई मेजर कॉर्ड कैसे था, थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट जो हम लोग इंडेक्स से पकड़ रहे थे, फिफ्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट। इसमें हम पिंकी का यूज नहीं कर रहे थे, बट इन ऑर्डर टू होल्ड एफ यही वाला शेप हम लोग क्या पकड़ेंगे, इंडेक्स जहां पे यूज हो रहा था वहां पे हम मिडल को रखेंगे, मिडल जहां पे यूज हो रहा था वहां पे हम रिंग को रखेंगे, और रिंग जहां पे यूज हो रहा था वहां पे हम पिंकी को रखेंगे। ठीक है, पकड़ लिया हमने ये। अब ये तो ई ही बज रहा है, राइट, ये बज रहा था, इन तीन फिंगर से बजा रहे थे, अब इन तीन फिंगर से बजा रहे ई। बट एफ बजाने के लिए इसको एक फ्रेट नीचे ले आएंगे, मतलब जो हमारा ये था इसको ई को नीचे घसका देंगे। ये यहां पे था फर्स्ट सेकंड सेकंड पे, अब ये सेकंड थर्ड थर्ड पे। सो मिडल फिंगर इज ऑन थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, रिंग फिंगर इज ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, पिंकी फिंगर इज ऑन फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। ठीक है, इंडेक्स फिंगर लेंगे, इंडेक्स फिंगर से हम सेकंड और फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट पकड़ेंगे एक साथ। अब ये डिफिकल्ट है थोड़ा, अब इसको अगर जब पूरा पूरा साथ में पकड़ेंगे तो ये हमारा एफ कॉर्ड है। अगेन मैं दिखा देता हूं, इंडेक्स फिंगर ऑन सेकंड एंड फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, मिडिल फिंगर ऑन थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, रिंग फिंगर ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, पिंकी फिंगर ऑन फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। तो ये तो हमारा कॉर्ड्स का पूरा पूरा रिकैपिचुलेट हो गया है ना, पूरा पूरा हमने जो जो कॉर्ड्स किए थे वो हो गए। अब ये नाइन कॉर्ड्स एक बार देख लो ध्यान से, इन नाइन कॉर्ड्स को नंबर्स के साथ जो ऑर्डर्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, उस ऑर्डर में इन नाइन कॉर्ड को अच्छे से ध्यान से देख लो। इन नाइन कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करोगे आगे के सारे कॉर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम लोग स्ट्रमिंग एक बार बेसिक स्ट्रमिंग्स देख लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल रैप टुडे सेशन। ओके, तो स्ट्रमिंग इज जब हम मल्टीपल नोट्स को साथ में प्ले कर रहे हैं, राइट। स्ट्रमिंग के तीन सबसे बेसिक वेरिएशंस है, वो आज एक वापस टच करूंगा। ठीक है, पहला इज ऑल डाउन चार बार। ठीक है, जब भी हम म्यूजिक काउंट करते कैसे करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, ऐसे काउंट करते हैं। सो स्ट्रमिंग भी जब करेंगे, अब मैं एग्जांपल के लिए बस एक कॉर्ड लेने वाला हूँ ए माइनर। ठीक है, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये होता है हमारा डाउन 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 स्ट्रमिंग। इसका जो दूसरा वेरिएशन है, पहला इज डाउन 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 डाउन, दूसरा इज अप 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 अप। सो ठीक है, पहला इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरा इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, तीसरा इज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, उसको हम लोग ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, वेरी बेसिक, वेरी बिगिनर। ठीक है, ए माइनर को पकड़ के 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ठीक है, पहला स्ट्रमिंग इज डाउन 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 डाउन, दूसरा इज अप 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 अप, तीसरा इज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये हमारे एकदम इनिशियल बेसिक स्ट्रमिंग्स है। अब इसमें आपको वेरिएशन डालना है, तो डाउन डाउन और डाउन अप के वेरिएशन बनाओ। दो वेरिएशन मैं दिखा देता हूँ, पहला वेरिएशन इज डाउन 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 अप। तो अगर हम लोग खाली डाउन बजाए बोरिंग हो जाता थोड़ी देर बाद, बट अगर हम लोग डाउन 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 अप बजाए इंटरेस्टिंग बन जाता है।
और एक वेरिएशन इज डाउन 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 अप डाउन अप. क्या? डाउन 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 अप डाउन अप. अब आप मान लो एक कॉर्ड प्रोग्रेशन ले रहे हो, ए माइनर जी एफ ई, ठीक है, ए माइनर जी एफ ई. अब इनमें कॉर्ड्स को कैसे बजाओगे? ठीक है, डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप. अभी बताया लास्ट के दो, राइट, डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप. दोनों को जोड़ो और हर कॉर्ड्स पे बजाओ. सो और एक बार दिखाता हूं स्लोली थोड़ा सा. काउंट कीजिए मेरे साथ, डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप ठीक है. तो आज हमने क्या क्या किया, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ. हमने बेसिक कॉर्ड्स देखे जो आप अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए. ये हमारे 9 बेसिक कॉर्ड्स हैं. बेसिक हमारे 9 कॉर्ड्स किए हमने, जिसमें हमारे मोस्टली 70-80% हिंदी गाने आ जाते हैं. उसके बाहर हमने क्या किया, उसके बाद हमने याद किया कि हमने कौन कौन से स्ट्रमिंग पैटर्न्स किए थे प्रीवियस सेशंस में और उनको कैसे कंबाइन करके हम अच्छे मेलोडिक कॉर्ड प्रोग्रेशंस के साथ उसको अच्छा साउंडिंग बना सकते हैं और उसको ऐसा बना सकते हैं कि हमें जब सॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में प्ले करें तब प्ले करने में और वो गिटार से साउंड करने में आवाज़ में मज़ा आ जाए. ठीक है, आई होप आप लोगों को आज के सेशन में मज़ा आया हो बच्चों. ठीक है, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग जो जो किया उसको आप आगे प्रैक्टिस कीजिए. आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन नाउ. बाय बाय.